Okay guys, so today we are going to start with the topic of articles. Now, what are articles? Let's have a look at that. ठीक है? So articles basically हमारे demonstrative adjectives का एक part होते हैं. ठीक है? Demonstrative adjective क्या थे? जो demonstrate कर रहे थे, basically this, that, these, those थे जो हमें nouns और pronouns के बारे में बता रहे थे कि this bottle. ठीक है? So articles are also kind of demonstrative pronoun. आर्टिकल्स होते हैं हमारे ए एंड दैट, दे स्पेसिफाई अबाउट द नाउन कि वो कितना नंबर में है, बेसिकली हमें वो बताते हैं. ठीक है, कि वो स्पेसिफिक है, अनस्पेसिफिक है, उसकी नंबर है, डेफिनेट है, इनडेफिनेट है, वो हमें आर्टिकल्स बताते हैं. अब आर्टिकल्स कितने टाइप के होते हैं? टू. फर्स्ट वन इज डेफिनेट एंड द सेकेंड वन इज इनडेफिनेट. सो definite or indefinite articles are the two kinds of articles. What do you mean by definite now? Definite ka matlab kya hota hai? Definite ka matlab hota hai something that is proper, ki exact hai ye cheez, ki ye hi hai. Okay? Aur indefinite jiska hame properly nahi pata ki kitna hai, kya hai, kuch bhi nahi pata. But wo ek number ki hi baat kar rahe hain hum yahan pe. For example, agar main kehti hu there is a boy. A boy kya bata raha hai? कि एक लड़का है, बट वो डेफिनेट नहीं कि लड़का कौन है. ठीक है, अब डेफिनेट आर्टिकल्स कौन से होते हैं? द. पर इनडेफिनेट आर्टिकल कौन से होते हैं? ए और एन. ठीक है, नाउ अब द की यूसेज क्या है और ए एन की यूसेज का क्या है? हम कहते हैं ना कि जहां पर ए ई आई ओ यू यानी कि हमारे वॉल्स वर्ड आ जाते हैं वहां पर हम एन लगा देते हैं. दैट इज नॉट एग्जैक्टली द थिंग दैट वी शुड डू. हमें ये नहीं देखना कि कहां पे ये वर्ड्स आ रहे हैं फर्स्ट में, हमने ये देखना है कि इनकी फोनिक साउंड आनी चाहिए. जहां पर वोवल की साउंड आ रही है वहां पर एन आता है. ठीक है, अगर मैं बोलती हूँ ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मैन, तो यहाँ पर एच है फर्स्ट वर्ड, वो वोवल तो नहीं है, वोवल नहीं है, लेकिन यहाँ पर एन आएगा. क्यों आएगा? क्योंकि लास्ट उसकी जो ऑनेस्ट की जो साउंड है वो हो से नहीं होती, ओ से हो रही है. ओ है ना यहाँ पे, वहीं से आई ना साउंड. सो दैट इज ऑनेस्ट, एन ऑनेस्ट मैन. ठीक है, ए कहां पे आता है? जहां पर कॉन्सोनेंट की आवाज आती है. नाउ व्हाट इज कॉन्सोनेंट? जहां पर वोवल की साउंड नहीं है. इन पांच के अलावा जो भी हमारे 21 लेटर्स बचते हैं इंग्लिश, 21 अल्फाबेट बचते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के, वो हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल boy, a boy, girl, a girl. ठीक है, अच्छा tell me one thing, यहाँ पर क्या आएगा? a university या an university? a university, correct. क्यों? क्योंकि यहाँ पर यू की आवाज यू है, अ की आवाज नहीं आ रही. अच्छा, अब मैं बोल रही हूँ अम्ब्रेला. yes, अब एन क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे आवाज अ की है. ठीक है, करेक्ट जज. ठीक है, तो ये थे हमारे इनडेफिनेट आर्टिकल्स. अब चलते हैं हमारे डेफिनेट आर्टिकल्स पे. तो डेफिनेट आर्टिकल हमारा एक ही है, दैट इज द. डेफिनेट का मतलब है कि ये चीज प्रॉपर है, ये एग्जैक्ट है, दिस इज द थिंग दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. फॉर एग्जाम्पल द ताजमहल एक है, यूनिक है ना, एग्जैक्टली वो ही है. ठीक है, सो दैट इज अ डेफिनेट आर्टिकल. द सन, द मून, हाँ जी, सो दैट इज अ डेफिनेट आर्टिकल. यहाँ पे हमारा आर्टिकल कंसेप्ट बहुत छोटा, लेकिन इसके जो रूल्स है ना, इसके जो यूजेजेस है, वो हमें गो थ्रू करनी पड़ेगी. पहले हमें वो देखनी पड़ेगी. तो ये साथ साथ आप लोग लिखते रहो, चार्ट नोट डाउन कर लो. सो आर्टिकल्स हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स का ही एक पार्ट है. द डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स ए एंड एंड द, वो हम आर्टिकल्स बोलते हैं. ये वर्ड्स डिफाइन करते हैं एक नाउन को, या तो वो स्पेसिफिक है या फिर अनस्पेसिफिक है, या तो वो प्रॉपर है या फिर इम्प्रॉपर है. दो चीजों की बात होती है यहाँ पे. अब यहाँ पे इसके दो काइंड्स होते हैं. सबसे पहले आता है डेफिनेट आर्टिकल्स. डेफिनेट आर्टिकल्स क्या होते हैं? सिर्फ और सिर्फ द आता है डेफिनेट आर्टिकल की कैटेगरी के अंदर. ठीक है, तो हम यहाँ डेफिनेट आर्टिकल्स नहीं लिखेंगे, डेफिनेट आर्टिकल
लिखेंगे. ठीक है. सो द इज अ द इज द डेफिनेट आर्टिकल. द डेफिनेट आर्टिकल है ये लिमिट के अंदर डाल देता है नाउन के मीनिंग को और एक ये पर्टिकुलर पर्सन पर्टिकुलर थिंग के बारे में ही बात करता है. ठीक है. कि हम एक पर्टिकुलर चीज की ही बात करते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल प्लीज गिव मी द हैमर. कि मुझे हैमर दो कि वो ही हैमर है वो ही चाहिए. ठीक है. क्लियर डेफिनेट आर्टिकल. ठीक है. सो इनडेफिनेट आर्टिकल्स के अंदर आ जाते हैं ए और एन. ए और एन को हम इनडेफिनेट आर्टिकल्स इसलिए कहते हैं कि ये बोथ स्पेसिफिक नहीं होते हैं. ये सिर्फ और सिर्फ अनस्पेसिफिक चीजों की बात करते हैं. अ मैन, मैन तो कोई भी हो सकता है. एन ऑर्गेनाइजेशन कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है. एन एक्ट कोई भी एक हो सकता है. स्पेसिफिक तो नहीं है कि ये ही है. नहीं है ना. दैट्स व्हाट इज नोन एज इनडेफिनेट आर्टिकल. ओके. अब बेबी हमने पहले तो किया था कि जहां वॉवल्स हैं वॉवल्स की साउंड आ रही है वहां पर हम यूज कर रहे हैं ना ए और एन वहां पे यूज कर रहे हैं ना. अब यहाँ पे वर्ड है एमएलए. यहाँ पे ए एन द क्या आएगा. एन एमएलए. क्यों. क्योंकि एम एम है म ल ए नहीं है एमएलए है. ए की आवाज आई है ना म से पहले. अगर मैं बोलती हूँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोल रही हूँ चलो अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो जाएगा. यहाँ पर एन नहीं आएगा यहाँ पर. क्यों. क्योंकि म से स्टार्ट हो रहा है मेंबर ए नहीं है. ठीक है. हमने देख ली है फोनिक साउंड बेटा. जो फर्स्ट वर्ड है उसकी आवाज सुनो. ये मत देखो कि फर्स्ट वर्ड कॉन्सोनेंट है या फिर वोवल है. हमने देखना है कि फर्स्ट वर्ड की आवाज वोवल है या नहीं है. ठीक है.